हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेटफॉर्मिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशन में किया जाता है, मेटफॉर्मिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और मेटफॉर्मिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये डिस्कस करेंगे कि मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन कंडीशन में मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। मेटफॉर्मिन टैबलेट का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मेटफॉर्मिन टैबलेट ज्यादा ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। शरीर में शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड और ज्यादा रहने की वजह से किडनी डैमेज हो सकती हैं, आंखों की देखने की रोशनी कम हो सकती है और शरीर की नसें डैमेज हो सकती हैं। इसलिए शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी होता है। मेटफॉर्मिन एक शॉर्ट नेम है। मेटफॉर्मिन टैबलेट को ग्लाइकोमेट और ग्लूकोनोरम आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। मेटफॉर्मिन टैबलेट 250 mg, 500 mg, 850 mg और 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करें कि मेटफॉर्मिन टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। मेटफॉर्मिन टैबलेट को खाना खाने से 30 मिनट पहले लेना रिकमेंडेड होता है। यदि किसी व्यक्ति को मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेने के बाद नोजिया, वोमिटिंग या पेट में बेचैनी की समस्या होती है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर मेटफॉर्मिन टैबलेट को खाना खाने के साथ भी लेने की सलाह दे सकते हैं। ज्यादातर पेशेंट को डॉक्टर मेटफॉर्मिन टैबलेट को दिन में 1 बार या दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। मेटफॉर्मिन टैबलेट की डोज, उम्र, शुगर की गंभीरता व ट्रीटमेंट के रेस्पॉन्स के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग हो सकती है। इसलिए आपको मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना मेटफॉर्मिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करें कि मेटफॉर्मिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कुछ परसेंट लोगों में मेटफॉर्मिन टैबलेट की वजह से नोजिया, वोमिटिंग, पेट में बेचैनी, शरीर में कमजोरी और मुंह का स्वाद खराब हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि मेटफॉर्मिन टैबलेट की वजह से ये साइड इफेक्ट सभी व्यक्तियों में होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट लोगों में मेटफॉर्मिन टैबलेट की वजह से ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेने के बाद इनमें से कोई भी लक्षण होता है या कोई अन्य असामान्य लक्षण होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। मेटफॉर्मिन टैबलेट की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, लेकिन यदि आपके डॉक्टर ने मेटफॉर्मिन टैबलेट के साथ दूसरी शुगर कम करने की दवा दी है, तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है यानी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम हो सकता है। ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने पर जिम चलाना, दिल की धड़कन का तेज होना, आंखों से धुंधला दिखाई देना, पसीना आना, सिर चकराना, शरीर में कंपन, कन्फ्यूजन और भूख का ज्यादा लगना आदि लक्षण शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने की वजह से हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने ब्लड शुगर लेवल को तुरंत ही चेक करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल कम है। हाइपोग्लाइसीमिया होने पर यानी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने पर शुगर लेवल को ठीक करने के लिए ग्लूकोज टेबलेट, चीनी, शहद या फ्रूट जूस आदि में से आप किसी एक का सेवन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करें कि मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और किन कंडीशन में मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेना रिकमेंडेड नहीं होता है। ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए और आपको मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेने के बाद अपने रेगुलर शेड्यूल पर खाने का सेवन करना चाहिए। शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल में करने के लिए आपको मेटफॉर्मिन टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चिंता व तनाव से बचना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है, तो वजन को कम करना चाहिए। अगर आपको मेटफॉर्मिन टैबलेट का सेवन करते समय भी बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, कन्फ्यूजन, नींद का अधिक आना, मुंह या सांसों में से फ्रूटी स्मेल आना, तो ये लक्षण हाइपरग्लाइसीमिया के हो सकते हैं, यानी ये लक्षण शरीर में ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होने के हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण होता है, तो आपको तुरंत ही इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके शरीर में मेटफॉर्मिन टैबलेट अच्छी तरह से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में न कर रही हो और ऐसी सिचुएशन में आपके डॉक्टर को दवा की डोज बढ़ानी पड़ सकती है या दवा को बदलना पड़ सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर, बुखार होने पर और कोई चोट लगने पर और सर्जरी के बाद मेटफॉर्मिन टैबलेट की वजह से शुगर को कंट्रोल में करना मुश्किल हो सकता है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्टर आपके ट्रीटमेंट में बदलाव कर सकता है। मेटफॉर्मिन टैबलेट की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। लैक्टिक एसिडोसिस तब होता है जब आपका शरीर लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस ज्यादा करता है और यूटिलाइज कम करता है। अगर मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेते समय आपको पेट में दर्द, भूख का कम होना, सांसों में फ्रूटी स्मेल आना, दस्त, शरीर में थकान व कमजोरी रहना, आंखों या त्वचा में पीलापन होना, सांस लेने में दिक्कत होना आदि लक्षण होते हैं, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये लक्षण लैक्टिक एसिडोसिस के हो सकते हैं और लैक्टिक एसिडोसिस होने पर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। किसी सर्जरी से 48 घंटे पहले आपको डॉक्टर मेटफॉर्मिन टैबलेट को रोकने की सलाह दे सकता है और सर्जरी होने के बाद 48 घंटे तक आपका डॉक्टर मेटफॉर्मिन टैबलेट को न लेने की सलाह दे सकता है, ताकि लैक्टिक एसिडोसिस होने के रिस्क को कम किया जा सके। इस दौरान आपका डॉक्टर
शुगर को कंट्रोल में करने के लिए मेटफॉर्मिन टैबलेट की जगह इंसुलिन के इंजेक्शन को लगाने की सलाह दे सकता है। इसलिए यदि आप मेटफॉर्मिन टैबलेट का सेवन करते हैं और आपकी किसी प्रकार की सर्जरी होनी है तो आपको इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर आपको मेटफॉर्मिन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आपको मेटफॉर्मिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अब हम डिस्कस करें कि क्या गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं मेटफॉर्मिन टैबलेट का सेवन कर सकती है या नहीं। गर्भवती महिलाओं के लिए मेटफॉर्मिन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ज्यादा जरूरत पड़ने पर डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को भी मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेने की सलाह दे सकते हैं। इसलिए गर्भवती महिलाओं को मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं को मेटफॉर्मिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। और जो महिला स्तनपान करा रही हैं उनके लिए भी मेटफॉर्मिन टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मेटफॉर्मिन टैबलेट माँ के दूध के जरिए बच्चे तक पहुँच सकती है और बच्चे में साइड इफेक्ट पैदा कर सकती है। अगर स्तनपान करा रही महिलाओं को डॉक्टर ने मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेने की सलाह दी है तो स्तनपान करा रही महिलाओं को मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेते समय बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मेटफॉर्मिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मेटफॉर्मिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपका मेटफॉर्मिन टैबलेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।